एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, और चाय बननी थी। ब्रेकफास्ट में उपमा बनाया था तो सबको दे भी दिया, और मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। और यहाँ किचन के कुछ सामान ख़त्म हो गए थे जिसका मैं स्टोरेज फुल कर रही हूँ। एंड देखते ही देखते दीपावली भी चली गई, 2022 की दीपावली चली गई, अब आएगी अगले साल। और 10, 15, 20 दिन यानी कि ऑलमोस्ट सभी एक महीने पहले से स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई दीपावली का टाइम है, साफ़ सफाई करनी है, मार्केटिंग करनी है, कईयों तैयारियां करनी है। हम इतना काम करते हैं दीपावली में सभी कि दीपावली तो चली जाती है, बट हाँ, शरीर में जो थकावट है वो उसके बाद समझ में आती है। तो सब कुछ ऑल सेट हो गया है दीपावली के बाद, और आज बनाऊंगी बिल्कुल ही वेज और एकदम सुपर सिंपल खाना। काफ़ी थकावट है इतने दिनों से, जो मतलब खटनी हो रही है, इतना खट रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो थकावट तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी भी मतलब मन नहीं कर रहा था कि बस कुछ बनाओ खाना वगैरह, तो सुपर सिंपल से ही बना रही हूँ। जो सब्ज़ियाँ फ्रिज में हैं, कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी भी रहती हैं कि जो जल्दी नहीं बनाओ तो ख़राब हो जाती हैं, तो इसीलिए दोनों सब्ज़ियाँ काट के रख ली थी सुबह ही। और यहाँ बर्तन धोने का साबुन भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी 10-12 पीस मंगा लिया है। तो बस अभी बनाऊँगी अरहर की दाल, बंद गोभी, आलू और मटर की सब्ज़ी, और तुरई की एक सब्ज़ी बनाऊँगी बिल्कुल न्यू स्टाइल में। तो यहाँ मैंने अरहर की दाल ले ली है, और ऐसी दाल बच्चे पसंद करते हैं। एक तो मसाला पीस के बनाती हूँ, वो पसंद करते हैं, और ये ऊपर से छोंके वाली बना रही हूँ। तो दाल ले ली है और 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं मैंने, और रेगुलर मसाले जो हल्दी है और लाल मिर्ची पाउडर और नमक, तो ये तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं। तो बस उसमें डाल के और पानी हिसाब से डाल देंगे, कैसी आप कितनी पतली दाल रखते हैं, कितनी गाढ़ी रखते हैं उसके हिसाब से। और 2 से 3 मैंने हरी मिर्ची यहाँ पे डाली है, और लाल मिर्ची पाउडर भी डाला है। तो बस हिसाब से पानी डालकर, और ऊपर से खाने वाली जो चम्मच होती है उसका 1 चम्मच सरसों का तेल मैंने डाला है। आप जो ऑयल यूज़ करते हो वो डाल सकते हैं। इससे एक फ़ायदा होता है कि जो दाल कुकर से बाहर निकल के फैलती है, जब दाल में सिटी लगती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये जस्ट डाल देंगे और कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं सरसों तेल ही डालती हूँ क्योंकि मैं खाना सरसों तेल में ही बनाती हूँ। तो वहाँ दाल मैंने चढ़ा दी, और यहाँ पर तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो 1 टेबलस्पून मैंने सरसों का तेल लिया है, जीरा वगैरह कुछ नहीं डाला है मैंने। हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, उसमें ज़रा सा पानी डालकर मैंने घोल लिया था, और बस उसी मसाले को डाल दिया है। हार्डली 30 सेकेंड के लिए इसको स्लो गैस पर भुनेंगे। और ये तुरई है, हमारे कोलकाता में इसको बंगाल में झींगा बोलते हैं। इसी में जितनी तुरई है उसकी हाफ मैंने प्याज, कच्ची प्याज, इसी में मिक्स करके डाली है, एंड नमक, दैट्स इट। बस इसको चला के अब मीडियम टू लो गैस पर पका लेंगे। और ये सब्जी आप बना कर देखिएगा, बनाने में भी बहुत ईजी है और खाने में भी उतनी स्वादिष्ट है। इसमें जो प्याज का जो टेस्ट आता है ना, हल्का मीठा मीठा, बड़ा अच्छा लगता है। और बस खाना बना रही थी तो 2 गेस्ट आ गए थे हमारे यहाँ, तो उन्हीं के लिए अर्जेंट में मैंने फटाफट कॉफ़ी बनाई है, कॉफ़ी एंड बिस्किट, फिर उनको देकर आई मैं। और आज मैं सारा ही खाना ऐसा बना रही हूँ जिसमें 2-3 सामान से ही खाना बन जाए। तो अदरक लहसुन का पेस्ट तो मैं बना कर ही रखती हूँ क्योंकि इनमें बड़ा टाइम लग जाता है, तो बना के रख लूँ फ्रिज में कांच की बॉटल में तो बहुत सही रहता है, कन्वीनियंट रहता है। और यहाँ मैंने कम से कम 10 मिनट के बाद ये ढक्कन खोल के देखा है, तो ये गल गई है। और इसको जिस तरीके से मैं ये देखिए तोड़ रही हूँ, इसी तरीके से आप तोड़कर इसको बनाइएगा, पूरी ये जैसे घुल जाती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। थोड़ी सी कसर है, तो और 5 मिनट के लिए मैंने स्लो गैस पर इसको ढक दिया है। और यहाँ बस सारा सामान मैं काम करते करते अभी समेट भी रही हूँ, क्योंकि एक तो शरीर में थकावट इतनी ज़्यादा है, सारी रात से सोए भी नहीं हैं, दीपावली में सोती भी नहीं हूँ मैं। और बस यहाँ पर उसके बाद ये तुरई की सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी, ढक दी मैंने, और यहाँ पर लगा दिया मैंने घी में हींग और लहसुन का छौंक। तो ये अरहर की दाल ऐसी बनाकर आप देखिएगा, ऊपर से आप आधा नींबू भी डाल सकते हैं, इस वक्त मेरे पास था नहीं तो मैंने डाला नहीं। और ये ले ली है कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, आलू और मटर की सब्ज़ी, तो ये भी मैं बहुत ही एकदम इजी वे में बनाऊंगी। 1 टेबलस्पून सरसों का तेल, उसमें 2 तेज़पत्ता डाला है मैंने, 3 बड़े टमाटर डाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट एंड नमक।
तो बस इसको थोड़ा सा ढक देंगे ताकि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं तो वो जो सब्जी काटी हुई है वो मैं डाल दूंगी और चला के फिर से ढक दूंगी। और अभी फ़िलहाल इसको मीडियम टू लो गैस पर ही मैं रखूंगी, क्योंकि आलू ना तो मैंने फ्राई किए हैं जो जल्दी गल जाएंगे, तो बस बनती तो जल्दी है, थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी इसको मैं। यहाँ मैंने 20 मिनट के बाद ढक्कन खोल के और इसको अच्छी तरीके से भून लिया है मैंने पूरी सब्जी को, और कस के और उसमें गरम मसाला डाल के तो सब्जी डन हो गई। आपके पास हरा धनिया हो तो डाल दीजिएगा, मेरे पास अभी था नहीं। और बस साथ के साथ ही किचन में खाना बनाते बनाते मैं सारी साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ और बर्तन भी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। और मेड आती हैं कम से कम 3:30-4 बजे शाम को, शाम ही होने को लगती है उस टाइम पर, तो अगर सारे बर्तन इकट्ठे करते रहेंगे तो फिर बहुत बर्तन हो जाते हैं, तो उनके ऊपर भी इतना बर्डन हो जाएगा। तो मैं संग के संग साफ़ सफाई भी करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा बर्तन भी ना हो। तो यहाँ बर्तन वगैरह करके मुझे अभी बालकनी में मीन्स वॉशिंग मशीन में अभी कपड़े भी लगाने हैं, फिर एक एक करके सब अपने खाना लेके, बच्चों ने भी बोल दिया कि आप थक गए हो, खाना बन गया है तो आप आराम कर लीजिए, हम लोगों को जिसको खाना लगेगा हम लेकर खा लेंगे। तो मैं बस वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह लगा के उसके बाद मैं सो गई थी जाके, क्योंकि दीपावली तो हो गई, त्यौहार हो गया बहुत अच्छे से, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना सब कुछ मतलब घर में काम बढ़ जाता है त्यौहार में, सभी के घर में, सिर्फ मेरे ही घर में नहीं सभी के घर में सबकी मेहनत और काम और सब कुछ बहुत कुछ बढ़ जाता है, जिससे त्यौहार जाने के बाद में इतनी ज़्यादा थकावट महसूस होती है, उस वक्त पता चलता है कि हाँ हमने इतना काम किया है और इतना सब कुछ बनाया है, इतनी मार्केटिंग की है और अब हम थक गए हैं और अब वाकई में हमें रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन घर गृहस्थी के जो काम होते हैं उनमें कहाँ रेस्ट मिलता है इतना, घर के काम तो इस तरीके से होते हैं कि एक ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू और दूसरा ख़त्म तो तीसरा शुरू, तो अगर इतनी चिंता काम की रोज़ करेंगे तो कभी रेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो सीधा बर्तन वगैरह धोकर और वॉशिंग मशीन में कपड़े मैंने लगाए और मैंने खाना खा लिया था, बच्चों ने बोला कि आप आराम करो, हम लोगों को अभी खाना नहीं खाना है, जब खाएंगे तब हम खुद ही ले लेंगे, तो मैं जाकर सो गई थी। फिर और ये देखिए शाम को मैं सो के उठी हूँ, चाय बनाने आई हूँ, तो इस प्राणी की हालत देखिए, ये हमारा एस्ट्रो यहाँ बर्तन की बास्केट में बैठना सीख गया है देखिए, और हम लोगों को हंसी भी आती है इसको देख करके, पूरे घर में खोज रहे हैं और ये मिलता कहाँ है, बास्केट के अंदर। तो अब बज गए शाम के 7:20 और खाना वगैरह बना के फिर सबको खाना खिला के मैं भी खा के फिर सो गई थी, फिर मेरी मेड आ गई थी तो उनके संग और भी थोड़ी कुछ सफाई थी वो भी कराई, फिर अभी मैं फ्री हुई हूँ, सारा टोटल काम करके फ्री हुई हूँ। फ्रिज पूरा क्लीन किया मैंने, मेरे फ्रिज के पार्ट्स इतने ज़्यादा टूट गए, इतनी पुरानी वो फ्रिज हो गई है और इतना पुराना मॉडल है वो कि उसके पार्ट्स मिलना मुश्किल है, नहीं मिलते हैं, खोज खोज के हम लोग परेशान हो गए हैं। रात में सब खाएंगे तभी रोटी वोटी बनाऊंगी, तो ये दिखाती हूँ आपको। और ये फ्रिज है, यहाँ से मेरे फ्रिज की पूरी हालत पूरी ख़राब है, ये देखिए अब एकदम ख़राब हो गई है, लेकिन क्लीन इतनी अच्छी की है मैंने, ये देखिए पार्ट्स बोलूँ तो ये जो फ्रीजर का है ये भी पूरा चिपकाया हुआ है, टूट गया है, एंड जिसमें सब्जी रखते हैं ये भी चटक गया है, ये देखिए। तो फ्रिज की हालत तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइट है, अब ट्राई कर रही हूँ लेने का। और ये अंडे मंगाए थे ब्लिंकिट से, लगता है अंडों के संग होली खेली है, पूरे कलर वाले आए हैं। तो यहाँ अभी पूरा क्लीन करने के बाद में जगह बहुत बच गई है और पूरा कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ फ्रिज वगैरह भी सारी क्लीन हो गई। तो चलिए अब हो गई है रात और 7:30 के करीब हो गया आपसे बात करते करते टाइम, और अब थोड़ा आराम भी करूँगी और सबका अब थोड़ा 1-1.5 घंटे के बाद में डिनर का टाइम भी हो जाएगा, तो फिर बस रात का डिनर करके फिर सबकी छुट्टी, किचन का काम वगैरह करके, तो आज का पूरा दिन इतना बिजी डे गया है मेरा।
और चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय। और इसका पता है रोज़ का ये हो गया, जैसे एक छोटे बच्चे को सोने जाने से पहले अपनी माँ से चिपक के कितना प्यार लाड़ करते हैं, वैसे इसको आदत हो गई है। कम से कम आधा घंटा तो बैठता ही है मेरे पास, इसको मैं प्यार करती हूँ, ये भी मुझे बहुत प्यार करता है, तब जाके कहीं सोता है ये।